पहले शैतान ने कबज दे दी, 8 दिन तक टॉयलेट बंद आया ही नहीं। बोले गए डॉक्टर से एक सिर्फ ले लिया और उसके लूज मोशन हो गए। क्या हो गए उसे? उसे लूज मोशन हो गए, शरीर में बड़ी वीकनेस आ गई, शुगर इनकी बढ़ गई। बोलो क्या है, कितनी शुगर होगी इनकी? जब भी जी चेक कराते थे 373 380 400 380 400 तक कर दी। और शरीर में बॉडी में कितनी वीकनेस आ गई? शट शट कर दिया मैं शिष्य, तेरे प्रभाव को तोड़ता हूं। शट शट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इस बहन का नाम रजवंत है और जे मक्कनमंडी गांव के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही जे जे बता रहे हैं कि आज से 15 दिन पहले जे बता रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। जे बता रहे सबसे पहले तो इनको 8 दिन तक जे कब्ज़ की प्रॉब्लम रही, कॉन्स्टिपेशन की, जिसके कारण जे बता रहे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। जे बता रहे कि सुनो सुनो, कितने दिन कब्ज़ रही? 8 दिन। 8 दिन कब्ज का मतलब खाली कब्ज नहीं, मतलब 8 दिन इन्हें टॉयलेट आया नहीं। बोलो क्या है? 8 दिन तक अगर कब्ज रही तो ये टॉयलेट गए नहीं। बंदा 1-2 दिन ना जाए तो उसकी हालत कैसी हो जाती है? उसका पेट फूल जाता है। हाँ, कहते हो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसे पता है 8 दिन तक कब्ज रही और टॉयलेट गए नहीं। नहीं तो सोचेंगे लोग, अगर ये जैसे ये कह रहे हैं इन्हें 8 दिन तक कब्ज रही तो बोले कब्ज ही रही है। मेन पॉइंट है कि 8 दिन तक कब्ज रही और टॉयलेट 1 दिन भी नहीं गए। मेडिकल साइंस में पूछो कि जो कुछ भी हम खाते हैं, हाँ, उसको अंदर से हमारा पेट साफ होना कितना जरूरी है। नहीं है तो बीमारियों को पैदा करता है, पता है कि नहीं पता? नहीं है तो सुन लो फिर, जिनका पेट साफ नहीं ना होता पूरी तरह से, उनके जीवन में रोग बनने शुरू हो जाएंगे, बीमारियां बननी शुरू हो जाएंगी। सुनने में नॉर्मल लगता है, हाँ आगे बताओ। और इस प्रॉब्लम के कारण जे बहुत ही ज्यादा परेशान थे। जे बता रहे कि जे लगातार मेडिसिन खा रहे थे पर फिर भी इस प्रॉब्लम से इन्हें फ्री नहीं हो पा रहे थे, जे काफ़ी परेशान हो चुके। फिर जे बता रही कि डॉक्टर ने इन्हें एक सिरप पीने के लिए दी और जैसे जब इन्होंने पी तो उसके बाद इनकी कब्ज़ तो सही होगी पर फिर इन्हें लूज मोशन की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। जे बता रही कि 1 दिन में पता नहीं कितनी बार जाते थे और इसके कारण इनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी कि बहुत ही ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, क्योंकि इसके कारण जे कुछ भी खा नहीं सकते थे क्योंकि इन कब्ज़ तो सही हो गई थी पर जैसे लूज मोशन की प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने जब इनका चेकअप किया तो फिर उसके बाद इनको शुगर की प्रॉब्लम आ गई और शुगर भी इनकी नॉर्मल नहीं थी। जब भी जे चेक कराते शुगर तो जे बता रहे कि कभी इनकी 373 कभी 380 कभी 400 ऐसे लगातार 3 दिन ऐसे शुगर इनकी नॉर्मल नहीं रही, बढ़ रही थी। और जिसके दरमियान डॉक्टर ने इनको बोला था कि आप ऐसे कुछ भी ज़्यादा खा भी नहीं सकते और जिसके कारण इनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ गई थी, उसके कारण जे अपने घर का कोई भी काम नहीं कर सकते थे, बेड पर थे, इतनी ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो गई थी। और जब बता रहे कि सिर्फ डॉक्टर ने हल्का कुछ खाने के लिए दिया था पर उसके कारण भी जब बता रहे कि जे भी डॉक्टर ने बोला था कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है इसलिए आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं खा सकते जिसके कारण जो कि शुगर बढ़ रही है इसके लिए नॉर्मल करनी है, और लगातार वो भी मेडिसिन दे रहे थे शुगर की और जे बता रहे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और इस प्रॉब्लम के कारण इनका विश्वास भी बढ़ नहीं रहा था। और जे बता रही कि जैसे फिर टीम ने इनके घर में विजिट की और इनको उत्साहित किया कि जैसे कि आप इस प्रॉब्लम में हालात में हो चाहे तो फिर आप अपना विश्वास स्थिर करें और आप प्रार्थना में बनो और अगर नहीं आपका विश्वास बढ़ रहा तो फिर आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो क्योंकि कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी जो अपने घर का काम नहीं कर सकते थे और ना इनके घर में कोई था कि जो इनके घर में काम कर सकता हो और इसी कारण जो इनकी बेटी थी उसकी भी मैरिज हो गई थी तो इस कंडीशन में फिर इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया था कि वो अपने इनके घर को संभाल सके और इनको भी क्योंकि जो अकेले अपने वॉशरूम तक भी नहीं जा सकते थे, इतनी ज़्यादा इनकी बॉडी में प्रॉब्लम आ गई थी। और जैसे फिर टीम ने इनको उत्साहित किया तो इन्होंने फिर
डॉक्टर पर नहीं अपना मन लगाया, इन्होंने विश्वास किया कि नहीं, जो वचन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जैसे हमें सिखाते कि हालात में भी अगर आप हो तो अपना अंगीकार और अपना विश्वास सही रखे, क्योंकि जो इनका अंगीकार था वो ऐसे था कि ऐसे मेरी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम है, मैं पता नहीं सही होंगी या क्या हो जाना है इससे समय, और ऐसे इनके मुख से नेगेटिविटी के ऐसे बातें आ रही थी, और जैसे फिर इन्होंने अपना अंगीकार सही किया और टीम ने इनको बुलाया कि अपने संडे की मीटिंग को अटेंड करना है। फिर जैसे जी बहन पिछले संडे की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, उस दिन भी इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वीकनेस थी, जो खड़े नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि लूज मोशन की प्रॉब्लम तो सही हो गई थी, पर जैसे इन्होंने संडे की मीटिंग को अटेंड किया, जब परमेश्वर के दास मास प्रेयर कर रहे थे उस समय इन्होंने अपना मन लगाया, वचन को रिसीव किया, क्योंकि उस दिन छुटकारे के वचन थे, और जैसे कि परमेश्वर के दास के द्वारा सबको सिखाया गया था कि आज के जो वचन है वो छुटकारे के, और आपने अपने जीवन में ग्रहण करने और विश्वास से देखना, जब अपने जीवन में ग्रहण करोगे तो निश्चय आज ही परमेश्वर की सामर्थ आप लोगों को छुएगी। और जैसे इन्होंने भी विश्वास किया, इनकी बेटी ने, इनके बच्चों ने भी इनके लिए विश्वास किया और विश्वास से उन वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो जो बता रही है कि परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से तो इनको फ्री कर दिया जो कि बॉडी में वीकनेस थी, पर जैसे जे घर गए जो बता रहे फिर से इनको कब्ज़ की प्रॉब्लम होगी, और दो दिन तक फिर जे ऐसी प्रॉब्लम में रहे, पर इन्होंने अपना मन खराब नहीं किया, इन्होंने धन्यवाद किया, क्योंकि जे बता रहे कि उससे दिन ही परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा वचन दिया था कि जो वेडनेसडे की मीटिंग है, जो लोग प्रार्थना में कमजोर है या किसी के कोई भी हालात है कि उनके लिए ले एंड प्रार्थना होगी और उन्होंने मीटिंग को अटेंड करना है, तो उसी दिन इन्होंने घर जाकर प्रार्थना की कि परमेश्वर जो इस हालात में मुझसे प्रार्थना में भी बैठा नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैं मीटिंग में जरूर जाना है, और निश्चय उसी दिन ही परमेश्वर आपकी सामर्थ जो आपने अपने दास के द्वारा वचन दिया है, जैसे कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें वचन देते हैं और वचन में भी परमेश्वर सिखाते हैं कि जब परमेश्वर जो कि रोगी होते हैं परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुड़ाता है, तो जैसे इन्होंने उस वचन को रिसीव किया अपने जीवन में और मीटिंग को अटेंड किया, तो इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा ले एंड प्रार्थना हुई, और जितने भी इनकी बॉडी में वीकनेस थी, प्रॉब्लम बार बार आ रही थी नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण, जैसे इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई थी, पहले हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। शक्ति चली आत्मा निकल, निकल जो तुम्हें कब्ज की प्रॉब्लम है, ये शुगर जो टांगों में बाजू में जो दर्द है शैतान, शक्ति चली आत्मा शिष्यन तेरे प्रभाव को तोड़ता हूँ, शक्ति द नेम ऑफ जीसस, शैतान तू पांव के नीचे है, चल तू पांव के नीचे है, शोर जो तूने इसे रोक दिए, चल तू पांव के नीचे, निकल इसकी बॉडी से, इसके पेट से, इसके जीवन से, चल इसके सिस्टम से, आउट, शट, द नेम ऑफ जीसस, शट, शोर पूरी तरह से, शोर इसके पेट को, छोड़ 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 जो चुगर दी तूने, ये सारी थकावट, जो भी हालात तूने शैतान दिया है, चल रोक देने वाली आत्मा, शट निकल, टूट टूट इसकी जीवन से, लोकड़ यीशु नाम से मैं आज्ञा करता हूँ तुझे, तू पांव के नीचे शैतान, तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ आज, आज ही रोक देने वाली आत्मा, तेरे असर को मैं खत्म करता हूँ, शट फ्री फ्री फ्री, तू पांव के नीचे चल शैतान, तू पांव के नीचे फ्री। जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई, जैसे कि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर आजादी है, तो जैसे ही परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और जितनी भी इनकी बॉडी में बीमारी थी, प्रॉब्लम थी, इनके कब्ज की लूज मोशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी बॉडी में, बाद में इनके बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, इनकी टांगों में दर्द रहती थी, शुगर नॉर्मल नहीं हो रही थी, पर जब परमेश्वर की सामर्थ इनको छुआ उसी समय जब बता रहे सारी प्रॉब्लम से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से आजाद कर दिया, और जब बता रहे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब बहन पूरी तरह से फ्री हो चुके, अभी इनका मन प्रार्थना में लग रहा है, जो इन्हें लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई थी, फिर बाद में कब्ज की प्रॉब्लम हो गई थी, आज उस प्रॉब्लम से परमेश्वर ने पूरी तरह इन्हें नॉर्मल कर दिया है,
आज इनकी शुगर भी नॉर्मल हो चुकी है, ना इनकी टांगों में दर्द है। आज अपने घर का काम भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी तरह परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आज इन्हें आजाद कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया इस गवाही के लिए। परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे। कितने विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर छुड़ाने वाला है। हाँ, पहले शैतान ने कब्ज दे दी, 8 दिन तक टॉयलेट बंद आया ही नहीं। बोलो क्या है, डॉक्टर से एक सिर्फ ले लिया और उसके लूज मोशन हो गए। क्या हो गया उसे, उसे लूज मोशन हो गए, शरीर में बड़ी वीकनेस आ गई, शुगर इनकी बढ़ गई। बोलो क्या है, कितनी शुगर हो गई इनकी, जब भी चेक कराते थे 373, 380, 400 तक कर दी। और शरीर में बॉडी में कितनी वीकनेस आ गई। यहाँ पे आए संडे, रिसीव किया, बोलो क्या किया, रिसीव किया, वो वीकनेस तो गई, पर जब घर गए तो फिर से शैतान ने वही प्राणी वाली प्रॉब्लम फिर से कब्ज दे दी। क्या दे दी, पर संडे इन्होंने सुना था, कितनों ने सुना था कि परमेश्वर सामर्थ्य है। कुछ लोग हल्के में लेते हैं, बोला तो इसने संडे में सुना था कि आना है। बोलो क्या है, प्रेयर में आना, उस दिन स्पेशल प्रेयर थी, प्रेयर के ऊपर पॉइंट्स थी, उस दिन प्रेयर कराई गई। ये मीटिंग फिर जल्द रखेंगे ऐसी, वैसे तो हर सैटरडे शनिवार शाम को प्रेयर होती है। जो लोग प्रेयर में कमजोर है, जिनसे प्रार्थना होती नहीं ना, जब उन्हें करने की समझ नहीं, उनके पास शब्द नहीं है क्या क्या बोलना है, तो उस प्रेयर को जो शाम को हर सैटरडे शाम को 7:30 शुरू होती है, उसे अटेंड करो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं, लोगों को लगता है बस हमने कुछ नहीं करना, अपने आप परमेश्वर करेगा, ऐसा नहीं है। समझ आ रही है, तो उस दिन बुधवार वो प्रेयर रखी गई थी। तो ये विश्वास से आई, बोलो क्या आई, विश्वास से आई कि नहीं, अगर कहा है तो मैंने जाना है। हमने पहले भी कितनी गवाहियों को सुना है, और जैसे विश्वास से आए, परमेश्वर का हाथ जब इनके ऊपर आया, उस दिन से आज तक, बोलो क्या, ये पूरी तरह से, ये इसी बुधवार की मीटिंग की बात है। तो अभी फ्री हो ना पूरी तरह, अभी कोई दर्द, कोई कमजोरी, कोई हल, जय मसीह की, जय मसीह जी, मामा जी, जय मसीह जी, सारी कलीसिया ना, और पापा जी मैं बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छे हो गए हो, कोई कमजोरी, शुगर नॉर्मल है, बिल्कुल पापा जी ठीक है। मैं तारीफ कर दो, जोर से तारीफ कर दो, मेरी बना